हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अस्सलाम वालेकुम। मेरा मिश्रा, आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को क्या करना मामा, इनको सरप्राइज वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा प्लीज कर बिल्कुल देना। अब तो है ना, अब रात दिन चढ़ गया है। हाँ, दिन चढ़ गया, उठ के साड़ी फोन वीडियो देखो। तो आज की वीडियो लेकर आए जिसमें हम देखने वाले हैं पुलिस की ट्रेनिंग, जो फीमेल होती है ना उनकी हम देखने वाले हैं। पाकिस्तान में जो फीमेल पुलिस की ट्रेनिंग होती है वो कैसी होती है, और इंडिया में जो फीमेल पुलिस की ट्रेनिंग होती है वो कैसी होती है। पहले आएगी पाकिस्तान की वीडियो, फिर आएगी इंडिया की वीडियो। वीडियो पसंद आए लाइक करना, और हमने एक व्लॉग अपलोड किया हुआ है कराची के रेलवे स्टेशन का, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज सहर्ज व्लॉग का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पर जाकर जरूर देखिएगा। देखते हैं आज की वीडियो। क्योंकि हम नॉर्मली समझते हैं कि मर्द पुलिस एहलकारों को बहुत सख्त ट्रेनिंग दी जाती है और लेडी पुलिस एहलकार शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती, लेकिन ये मिथ है बिल्कुल गलत, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे होती है। तो क्या क्या होता है ट्रेनिंग में, लेट्स गो विद मी। मर्द पुलिस कांस्टेबल्स को तो हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा मशक्कत करते हैं, लेकिन जहाँ पर बात करें फीमेल कांस्टेबल्स की तो उनकी भी ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है। ग्राउंड में पहुंचने के फरी बाद ये पीछे ट्रेनिंग आप देखें चल रही है। ये वो बिल्कुल नौजवान लड़कियां हैं जो कि पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए तैयार हो रही है, और अभी आप ये ट्रेनिंग देख रहे हैं। मजीद ये कैसी ट्रेनिंग है देखिए। इनके ट्रेनर से आपकी बात करवाते हैं कि कौन कौन सी मजीद मुश्किल ट्रेनिंग है, क्या क्या टास्क होते हैं, क्या क्या जॉब्स होती हैं इनकी। सुबह पीटी होती है, पीटी में हम ये पूरे ग्राउंड के तकरीबन एक मील दौड़ होती है इनकी, उसके बाद 12 एक्सरसाइजेज हम करवाते हैं। बहुत टफ हैं, मेल के लिए भी हैं, और लेकिन ये फीमेल है हम इन्हें अप्रिशिएट करते हैं। अगर ये कहीं गिर जाती है, इनसे भागा नहीं जाता, तो किस तरह के बहाने बनाती है। बहुत ये दिलचस्पी लेती है, मेल इतने नहीं होते, ये फीमेल बहुत दिलचस्पी लेती है, और इनकी पिक पावर मेल से बहुत ज्यादा अच्छी है। और सजा क्या है अगर ना भागा जाए तो? नहीं, सजा हम अभी नए हैं, सजा नहीं देते हम, इन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि ये ट्रेनिंग पे आ गई हैं, इतनी मुश्किल जॉब पे आ गई हैं, इनके लिए यही बड़ा है। हमें सजा की बात हुई है, इन्होंने कहा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मुस्कुराते हुए चेहरे देखे हैं। सजा मिलती है? नहीं, हमें आज तक नहीं मिली। कैसे पुलिस में आई थी? ये मेरा पैशन था जो मुझे यहाँ तक ले आया है, और कहते हैं कि जिसके लिए आप दुनिया में कोशिश करेंगे वो आपके नसीब में जरूर होगा। आप भी हंसी थी जब उन्होंने कहा था कि हम सजा नहीं देते। डराते बहुत हैं वैसे। क्या डराते हैं? यही कि ड्रिल मिल जाएगी, सजा मिल जाएगी, एक्स्ट्रा पीटी हो जाएगी। वो लेडी पुलिस कांस्टेबल्स को फायर की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। एक लेडी कांस्टेबल पर तकरीबन आधा घंटा रोज लगाया जाता है ताकि उसकी फायर प्रैक्टिस हो, और इसके साथ साथ असला बंद करना, खोलना, उसकी स्पीड के लिए भी बहुत काम किया जाता है। लेडी पुलिस कांस्टेबल्स को तकरीबन 40 से 45 सेकंड लगते हैं रिएक्शन फायर के लिए। कॉम्बैट ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, सेल्फ डिफेंस में इनको माहिर किया जाता है। मैं कमेंट सर, थैंक यू। कदीर साहब अभी एक क्लास पढ़ा रहे हैं। जब पढ़ाई की बात होती है तो जो सिलेबस होता है किस पे बेस होता है? इनका एक ये बेसिक मेडिसिन कोर्स है, लॉ पे ग्रिफ्ट, स्ट्रेस पे ग्रिफ्ट, आईटी स्किल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंगर मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है। तो ये 2-3 घंटे की क्लास होती है, और इसके बाद कोई इसके एग्जाम भी होते हैं? ये 39 वीक का इनका कोर्स है, तो हर 6 हफ्तों के बाद इनका इम्तिहान होगा। वैसे तो कहते हैं कि पुलिस वाले तो पढ़ते लिखते हैं ही नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी जाता है, सिखाया भी जाता है। जब खवातीन कांस्टेबल की बात आती है तो लोग बहुत ज्यादा कहते हैं कि बदतमीज होती हैं और इनको कुछ पता नहीं होता। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बस लोगों का एक तरह से जो है ना गलत ख्याल है, सोच है उनकी। पुलिस में कैसे आई? मेरे अब्बू का शौक था, और उससे पहले मेरा अपना भी शौक था, उन्होंने मुझे परमिशन दी है। पुलिस कांस्टेबल जो होती है हमारे यहाँ बड़ा अलमे पे आ जाता है कि शायद वो पढ़ाई लिखाई के बगैर ही ऐसे ही कोई भी आ जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंस्ट्रक्टर एक मौजूद है इकरा, जो कि अभी ड्रिल करवा रही है, और इस ड्रिल का मतलब किसी भी तरह मुशक्कत वाली एक्सरसाइज नहीं है जिसके नंबर मिलेंगे, बल्कि ये सजा चल रही है। जजा और सजा का क्या सिस्टम होता है, ये कौन सी गलतियाँ जिस पर धूप में खड़ी है? धूप में तो नहीं खड़ा, तो इनको छांव में करते हैं, लेकिन पनिशमेंट इनकी होती है आधे घंटे की, जब ये वीकेंड से लेट होती हैं या फिर हॉस्टल में ये डिसिप्लिन का मुजाहरा ना करें, तो फिर इन्हें पनिशमेंट के लिए पहले वार्निंग लेटर दिया जाता है, उसके बाद इन्हें बुलाया जाता है,
इनकी रेस्ट टाइम में, ताकि इन्हें एहसास हो कि इन्होंने गलती की है। और अभी मोस्टली जो यहाँ पर ये हैं कांस्टेबल्स, इन्होंने क्या गलती की है? वीकेंड से मैडम इनकी वापसी होती है रात 8 बजे, तो जब 8 बजे से लेट होती हैं तो 10 मिनट तक इनका वेट किया जाता है, और उसके बाद भी अगर ये नहीं पहुँचती तो फिर इनका नेम नोट कर लिया जाता है और फिर इन्हें पनिशमेंट दी जाती है। मेरे साथ मौजूद हैं एसपी एडमिन तारिक अजीज साहब। जब हम फील्ड में खवातीन को देखते हैं तो इतना एक्टिव नहीं देखते, क्यों? ट्रेनिंग का मकसद ये होता है बेसिकली टू प्रिपेयर समवन फॉर ऑल द सिचुएशंस। हमारा जो बेसिक काम यहाँ पे ये है कि जो लेडी रिक्रूट्स हैं या जो भी ट्रेनिंग के लिए हमारे आते हैं, जो उनके लिए हमने टारगेट्स रखे हैं या जो हमें उनकी सर्विस रिक्वायरमेंट का पता है आने वाले टाइम में, उसके हिसाब से कैलकुलम भी बनाया जाए और उनको तैयार भी किया जाए। खवातीन 700 रिक्रूट्स हैं यहाँ पर और मैंने इनका सिलेबस भी देखा है, लेकिन इन एक्चुअल फील्ड में नजर क्यों नहीं आता? बाकी थानों में जब खवातीन होती हैं तो वो इतनी टिपिकल होती हैं कि लगता ही नहीं है कि शायद उन्होंने इतनी ट्रेनिंग की है। कुछ अरसे में देखिएगा जब ये खवातीन जा रही है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ डिफरेंट पे है, इनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड भी जो है वो जिनकी आप खवातीन रवायती पुलिस अहलकारान की बात करें, मे बी उनकी एक लिमिटेशंस है उनकी पढ़ाई की वजह से, उनकी ट्रेनिंग की वजह से, बट नाउ द ट्रेनिंग विच वी आर इम्पॉर्टिंग इट इज प्योरली ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द फील्ड। कसूर में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक खातून के ऊपर तशद्दुद हुआ, वहाँ पे सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया लेडी कांस्टेबल्स ने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे चूंकि अंदर 5 खवातीन हैं, हम तीन लेडी कांस्टेबल हैं, तो वहाँ से भाग गई। हालांकि जो मैंने ट्रेनिंग देखी उसमें उनकी कॉम्बैट ट्रेनिंग भी है, सेल्फ डिफेंस भी है, और दे आर वेरी एक्सपर्ट ऑफ वेपन। ये जो चीज़ें नजर आती हैं बड़ी कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस किधर से आना चाहिए? ये कॉन्फिडेंस दो जगहों से उनको मिलता है, एक जो उनको वो जो लोग जो उनको सुपरवाइज कर रहे हैं उनमें ये इनकलकेट करें कि आप पुलिस ऑफिसर्स हैं, यू आर नॉट, तो एक उनकी तरफ से। सेकेंडली सोसाइटी में भी ये थोड़ा सा एक्सेप्टेंस लेवल भी होना चाहिए इनके हवाले से। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देंगे, चूंकि आप उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम अ लेडी टू अ पुलिस ऑफिसर, तो आवाम की कितनी जिम्मेदारी? माशरे से मुझे यही उम्मीद है कि ये जो बहू, ये जो बेटियाँ हमारी, बहनें ये जो फील्ड में हैं, दे नीड अवर इनकरेजमेंट्स। मेरा ख्याल है कि इनको अगर हम सिर्फ कंफर्ट जोन ही दे देना एग्जिस्ट करने का, तो उनको अपने आप का मेटल। Up!
स्टॉप अपर ग्रिप अप अप डाउन अप डाउन अप यार बड़ा मुश्किल है आगे पहला एंड थर्ड तैयार हो जा ये बड़ा क्या ये बड़ा मुश्किल है ना ऐसे बंदरा की तरह से चढ़ना और दो सामने एक दो तीन चार सामने सही सामने एक सामने कोई भी लड़की ऐसी है जिसे भूल जाए सब एक साथ एक बड़ा मुश्किल एक मैगजीन डिटेल सामने 20 वन बाई वन टारगेट एक एम लड़े डिटेल सिंगल शॉट फायर एलएमजी ठीक फायर करता रुकता कोई बात नहीं मिस फायर इजेक्ट किया ये राउंड के कंधे पे चोट मिस फायर की नोक को दूर किया एलएमजी ठीक फायर करता है
गाइस ये थी आज की वीडियो। भाई देखा ही हमने कि दोनों साइड पे ट्रेनिंग जो है वो आला किस्म की थी यार। जो पाकिस्तान लड़कियां थी उनकी भी ट्रेनिंग काफी ज्यादा टफ थी, उनको सजा भी दी जाती है भाई जब वो लेट आती हैं, मतलब छुट्टी होती होती है ना हफ्ते इतवार को, तो वो अपने घर जाती होंगी। तो ये जब ट्रेनिंग होती है ना, ये तब की वीडियो है जब आप एक प्रॉपर पुलिस वाले बन जाते हैं ना, उसके बाद कोई ट्रेनिंग नहीं हमी होती, फिर नहीं रोजाना ट्रेनिंग होती, लेकिन वो एक होता है टाइम एक दो मंथ के लिए जिसमें ना वो ट्रेनिंग करवाते रहते हैं ताकि भाई वो पूरी तरह ट्रेंड हो जाए जब भी कोई सख्त हो जाए। लेकिन यार मैंने पाकिस्तान में इंडिया में दोनों सेम जगह देखा है कि भाई पुलिस वाले जो है ना उनका नाम बड़ा बदनाम है, मतलब कि पुलिस वाले कहते हैं कि इतने रिश्वत खोर होते हैं ना, इतना रिश्वत खोर कोई नहीं होता, इतना सही बात है। कोई भी पुलिस वाला आप देख लो ना, अभी पाकिस्तान में भी जिनसे वो इंटरव्यू ले रही थी आपने एंड में देखा ना उनका पेट कितना बड़ा था, तो यार ये पता नहीं क्या सीन है, मुझे समझ में नहीं आती। शायद ये बैठे रहते हैं अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाते है ना, तो हाँ। वो कहते हैं जब आप दफ्तर में बैठे आराम खाते हो ना तो आपका पेट जो होता है ना वो भरना स्टार्ट हो जाता है, तो ये इस चीज की निशानी है ना। और पुलिस वालों की सैलरी होती भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो ये कहाँ से इतने इतने बड़े घर गाड़ियां ले लेते हैं, आखिर ये रिश्वत लेते हैं तो फिर इनका होता है ना। लेकिन यार लड़कियों को देख के मुझे बड़ी एक आला किस्म की फीलिंग आई कि यार, और पुलिस में वही लड़की टिक सकती है जिस जो ना सही मजबूत हो, क्योंकि जो मासूम लड़कियां ना वो नहीं टिक नहीं पाती, वो चल जाते हैं, वो ऐवे ही चली जाती है। लेकिन वो लड़की जो थोड़ी होशियार चलाक हो ना, जिसको मुंह तोड़ जवाब देना आता हो, वही पुलिस में टिक, क्योंकि ये तबका ही ऐसा है, बदनाम तबका है एक, और इसमें एक शातिर चलाक होना बहुत ज्यादा, लड़के बहुत होशियार होते हैं तो उनका सामना, लड़कियों को फिर जवाब तो देना पड़ता है, तो फिर उनका सामना करने के लिए लड़कियों को भी वैसा ही होना पड़ता है। तो भाई लड़कियां भी काफी अच्छा लगा, पहले भाई दौर में होता था लड़के हर जगह पे नजर आते थे, लेकिन अब ऐसा सिस्टम हो रहा है पाकिस्तान इंडिया में, दुनिया के हर कोने में हमें जो लड़कियां है ना वो मतलब मर्दों के से भी आगे नजर आ रही है, हमें साइंटिस्ट से लेकर जो ड्राइवर है वहां से लेकर हर चीज में जो लड़कियां ना बहुत आगे बढ़ रही हैं। ये चीज मुझे इतनी दिल को खुशी देती है ना, जब भी मैं किसी लड़की को कोई स्टॉल भी लगाया हो ना मैं देखूं तो मुझे इतना प्राउड फील होता है यार, कितना अच्छा है कि ये लड़की अपने पैरों पे खड़ी है। ये नहीं सोचती कि मुझे मर्द कमा के दे, वो ये सोचती है कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, वो जॉब्स कर रही है, हर चीज खुद कर रही है ना, खुशी होती है ना देख के। अभी मुझे इनको देख के बड़ी खुशी हुई, दोनों साइड पे जो लड़की अपनी एक ड्रीम होता है, और सच में माँ बाप को भी सपोर्ट करना चाहिए, माँ बाप के सपोर्ट के बिना भी जो है ना वो लड़कियां कुछ नहीं कर पाती, तो जब वो सपोर्ट करते हैं इसी वजह से वो इस तबके में आई ना, वरना ऐसे तबके में तो लड़कियों को लोग बहुत कम भेजते हैं कि पुलिस वाले हमारी बदनामी होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन यार वो गई और उन्होंने अपना एक स्टेटस बनाया हुआ था। यार बहुत अच्छा लगा, आपको ये ट्रेनिंग कैसी लगी बताइएगा, फिर मिलता है।